वैसे आप जानते हैं ना कि स्नेक प्लांट या मदर इन लॉज टंग जिसे कहते हैं, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसे नाइट प्लांट भी कहा जाता है। वैसे रात की बात हो रही है तो चलिए आपको बताते हैं कि रात्रि के यात्री, जी हाँ, इकबाल खान और मानसी श्रीवास्तव नजर आने वाले हैं। देखिए जरा, रात्रि के यात्री नाम से ही एक कहानी में क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक रात की कहानी जहां पर एक अंधी लड़की कोठे पर रहती है, तो वहीं लड़का छुपते छुपाते कोठे पर आ पहुंचता है। लड़का और लड़की मिलते हैं, लड़की इंतजार कर रही है अपने प्रेमी का। अब प्रेमी तो वहाँ पहुँच नहीं पाता है, फिर क्या एक कोई और पहुँच जाता है जिसे वो अपना प्रेमी समझने लग जाती है। अब देखिए, एक कहानी यहीं से शुरू होती है। इकबाल खान और मानसी, ये दोनों यहीं से जुड़ेंगे इस वेब सीरीज में। जी हाँ, ये दोनों जल्द ही नजर आएंगे रात्रि के यात्री शॉर्ट फिल्म में, जिसकी कहानी आधी हमने बता दी है, आधी आप सुन लीजिए। कोठा है, ब्रॉथल है, कोठा है, और मैं वहाँ काम करती हूँ, और मेरा आखिरी दिन है वहाँ पर। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, और ये भी वहाँ पर टपक पड़ते हैं। सो हम दोनों के बीच क्या शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, क्या कहानी है। आखिरी दिन है तो ऑफ कोर्स मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है कि मैं जा रही हूँ छोड़ के, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। और तो इसीलिए सब इंटीरियर कोठे के जैसा रखा हुआ है, थोड़ी मिर्ची लाइट सब जगह थ्रू आउट लगी हैं, क्योंकि कोठा आई थिंक हमेशा ही जगमग रहता है, चाहे वहाँ पर 24 घंटे हमेशा लाइट होती ही है। दिवाली काइंड ऑफ फील होता है, हमेशा लाइट लगी होती है। अब जिससे लड़की प्यार करती है वो तो आया नहीं, जो आया वो हमदर्द बनेगा और इनके बीच प्यार होगा, फिर क्या लड़का इस लड़की को इस कोठे से लेकर एक नई दुनिया में ले जाएगा, यही कहानी तो होगी। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीवी के कई सितारे जुड़ रहे हैं, उसकी कहानी भी अच्छी होती है और कम समय में खत्म भी हो जाती है। इससे फायदा प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस दोनों को होता है। अब दर्शकों को ये बदलाव एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट जरूर करेंगे। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।